आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की फील्डिंग जमाई जा रही है। इसके लिए मंत्री प्रभुराम चौधरी, भूपेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, रामेश्वर शर्मा के साथ अनेक मंत्रियों ने यहां पर पहुंच करके विभिन्न सेक्टरों में पहुंच करके सम्मेलनों में हिस्सा लिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने भी इस चुनाव को लेकर के अपनी बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ दमोह उपचुनाव को लड़ रही है। आज हम लोगों के सभी 32 जो सेक्टर हैं, सभी 32 सेक्टरों पर सम्मेलन है, जनसंपर्क है। इसके साथ जो विकास के काम हैं, उन विकास के कामों के नारियल फोड़ने का भी कार्यक्रम है। इस तरह से आज पूरे 32 सेक्टरों में सरकार के मंत्री, विधायक सभी लोग पहुंच रहे हैं और पार्टी पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ रही है। हम लोग एक रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतना चाहते हैं, जैसा पहले उपचुनाव में हुआ है। इसलिए पार्टी चुनाव में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, सभी लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। गोपाल भार्गव जी को चुनाव का प्रभारी बनाया था। हाँ, निश्चित रूप से उनको भी जिम्मेदारी दी है, वो भी पूरा समय देंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जनता के हितों के लिए लगातार, आप देख रहे हो कि एक साल में जो उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री बन के बाद हमारा मध्य प्रदेश एक साल में बेमिसाल अनेक योजनाओं को क्रियान्वयन, चाहे किसानों की हो, चाहे गरीबों की हो, चाहे राशन देने की बात हो, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के साथ विजय हुई। कांग्रेस बड़ी जीत का दावा कर रही है। वो कुछ भी करते रहे, उनका काम वो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या दमोह में उपचुनाव क्लियर देख रहे हैं, पूरे देश में, मध्य प्रदेश में विकास को लोगों ने समर्थन किया है और कांग्रेस के 15 महीने का जो कुशासन, अन्याय, अत्याचार, भयग्रस्त शासन, उसको लोगों ने देखा है। और आज किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, नौजवान को, बेटा बेटियों को, सबको भरोसा है शिवराज सिंह चौहान पर। और इसलिए शिवराज जी की, चौहान की सरकार जी को भी आज एक साल पूरा हो रहा है। दमोह की जो आवश्यकता है और जो दमोह की अपेक्षा है, उस पर शिवराज सिंह जी की सरकार खरी उतरी है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी दमोह के हित में विकास करेगी और इसलिए दमोह में कमल खिलेगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस यहां से विजयी रही है, इसलिए तो दमोह वालों ने कहा कि हमसे भूल हुई, तो सामने वाला उम्मीदवार ने कहा कि ठीक है, मैं भी भूल सुधारता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में चला आया। और भारतीय जनता पार्टी में कहा कि मैं कमल में हूँ, कमल में रहना चाहता हूँ और कमल की शरण में हूँ। तो कमल की शरण में और शिवराज जी को जिसने समर्थन दिया और कमलनाथ जी की सरकार पलटने में जिनने योगदान दिया, उन सबको, जिनने कमल का साथ दिया, इस उपचुनाव में कमल उनका साथ देगा। संगठनात्मक दृष्टि से जो तैयारियां पार्टी की होती हैं, उसी हिसाब से आज एक पहली बैठक थी और जिसमें कि हम लोगों को बुलाया गया था। और मैं मानता हूँ कि हर पार्टी इस तरह की बैठकें करके और एक अपनी जो संगठनात्मक ढांचा है उसको तैयार करती है और उस पर काम करती है, उसी के तहत आज हम भी यहाँ पर आए थे। क्या लग रहा है चुनाव में, क्या लेंगे? निश्चित रूप से 100% हम लोग जीतेंगे। एक बड़ा मुद्दा है दमोह में, एक बड़ा मुद्दा है दमोह को लेकर। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेके या जिन जनता की डिमांड्स को लेके ये लोग कांग्रेस पार्टी में गए थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ना होने के कारण बड़े से बड़े नेता इनके बाहर निकल के आ गए। और उसी के तहत यदि आज राहुल जी भी आए हैं, तो सबसे पहले आवश्यकता ये होती है कि हम जनता की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जिनसे को बोल के हमने आज उनसे वोट मांगी है और जीत के गए हैं, यदि उन चीज़ों की पूर्ति नहीं हो रही है, फिर उस दल में रहने से क्या मतलब है। पिछले 4-5 दिन से
चुनावों में तेजी आई है और उसमें हमारे जो भी संचालन समिति बनती हैं वो संचालन समितियां बन चुकी हैं, सारे लोगों को काम का विभाजन हो गया है और हमारे सेक्टर के प्रभारी सहप्रभारी बन चुके हैं और उसके साथ साथ हमारे संभाग से जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को एक एक सेक्टर में लगाया गया है। उसके अलावा भी प्रदेश सरकार के द्वारा आदरणीय भार्गव जी को प्रभारी सरकार के से प्रभारी बनाया गया है और उसके साथ साथ प्रत्येक सेक्टर दो सेक्टरों में एक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रत्येक सेक्टर में एक विधायक, ऐसी पूरी कार्य योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। और आप सब देख रहे हैं आज हमारे जो 31 सेक्टर बनाए हुए हैं उस 31 सेक्टरों के सम्मेलन है और प्रत्येक सेक्टरों में ऐसा सभी से आग्रह है कि करीब 250-250 संख्या रहे और उसमें हमारे माननीय विधायकगण आए हुए हैं, विधायकगण जाके वहाँ संपर्क भी करने वाले हैं, वहीं 4-5 घंटे रुक के और संपर्क करेंगे, फिर उसके बाद उस सम्मेलन को सफल बनाकर अपने अपने स्थान पर जाएंगे। निश्चित ही आज से जो भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता दिख रही है इससे ऐसा लग रहा है कि एक रिकॉर्ड बनेगा इस दमोह के अंदर, रिकॉर्ड मतों से हम जीत हासिल करेंगे।